भजन संहिता 20 उसका 7 और 8 वर्स। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आमेन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, परमेश्वर उन्हें उन सारी कठिन परिस्थितियों से निकालने में सक्षम है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, उस जीवित प्रभु पर है, तो आपके जीवन में कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुसीबतें हो, परमेश्वर आपको उन सारी परिस्थितियों से उठाएंगे और आपको उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, जो आज समय आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम उन कर्ज में डूबे हुए लोगों के लिए दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, कि आप उनके कर्जे को पिता परमेश्वर, पिता उनके जीवनों से दूर करें पिता परमेश्वर। प्रभु वो हर एक कर्जा प्रभु आप अपने आसमानी भंडार से उनके लिए चुकाएं मेरे पिता। हर एक प्रभु जो टेंशन लेते हैं प्रभु कि कर्जा कैसे चुकेगा, क्या होगा, प्रभु परमेश्वर आप उनके जीवन के प्रभु हैं पिता। प्रभु वो सारा कर्जा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और आप प्रभु जी उनके लिए वो कर्जा चुकाएं मेरे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तू अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर आपको उन लोगों का ध्यान है प्रभु जो कर्जे में है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप प्रभु जी उनके कर्जे को चुकाएं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो प्रभु आज के जवान बच्चे प्रभु जी जो एडिक्शन में है प्रभु जी, बुरी नशों के लत में है पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो नशे में प्रभु जी बिल्कुल अपनी लाइफ को प्रभु डिस्ट्रॉय जिन्होंने कर दिया है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में आ जाइए प्रभु जी, आप उनके बंधनों को तोड़ दीजिए पिता परमेश्वर, आप प्रभु उन्हें नशे की लत से छुड़ा लीजिए प्रभु जी, क्योंकि सच है प्रभु जी जो प्रभु जी मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है प्रभु वो आपके लिए पॉसिबल है पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मनुष्य से तो नहीं वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु परमेश्वर सच में पिता मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, पर खुदा आपसे सब कुछ हो सकता है मेरे प्रभु। होने दे प्रभु वो नशे की लत प्रभु जी आज और अभी से पिता परमेश्वर, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे यीशु, हम उन बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु जी, उन नशे की लत को प्रभु हम यीशु नासरी के नाम से डांट कर आज्ञा देते हैं कि उनके जीवन को छोड़कर अभी और इसी वक्त निकल जाए प्रभु जी। सच में आप प्रभु उनके ऊपर कंट्रोल कीजिए प्रभु, आप प्रभु जी उन्हें उन नशे की लत से उभारे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन को प्रभु जी गलत रास्ते से प्रभु एक सही रास्ते पे ला जाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हम प्रभु जी उस नशे की लत को, उस हर एक बंधन को यीशु नासरी के नाम से कैंसल आउट करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, बात करते हैं यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में आपने प्रभु उस नशे की लत से प्रभु उन्हें छुड़ा दिया है प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज प्रभु उन औरतों के लिए पिता परमेश्वर, जिनकी कोई संतान नहीं है प्रभु, जिनका गर्भ नहीं टिकता है प्रभु परमेश्वर, प्रभु जो प्रभु कई सालों से प्रेग्नेंट नहीं है मेरे प्रभु, होने दे प्रभु परमेश्वर, प्रभु आप प्रभु उनकी बंधी हुई कोख को खोलें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। आज ही से प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, इस साल में परमेश्वर आप उनको पिता अच्छी संतान प्रभु उन्हें दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु आज प्रभु हम इन सब के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर कर्जे में है प्रभु, नशे की लत में है प्रभु जी, और जिनके गर्व जो गर्व की आशीषों को चाहते हैं प्रभु, पिता तेरे नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु, हर एक वो इम्पॉसिबल बातें आप उनके लिए पॉसिबल कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।